हाय दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वन उस्ताद। आज हमारे पास एक हैंडसेट आया हुआ है रियलमी C3, जिसका हम लॉक खोलने वाले हैं और ये पासवर्ड लॉक लगा हुआ है और हम ट्राई करेंगे अपने टूल से और देखेंगे किस टूल से हमारा ओपन होता है। तो चलिए हम सबसे पहले ट्राई कर लेते हैं जो हमारा UMT है, UMT का MTK 4.3 जो लेटेस्ट वर्जन आया है, इसे ट्राई कर लेते हैं एक बारी। दोस्तों, इसमें सिंपल से दो स्टेप होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। रीसेट, फैक्ट्री रीसेट फोन और मॉडल नंबर सेलेक्ट कर लिया अपने साथ। हमने ब्रांड और मॉडल नंबर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद सीधा करेंगे फैक्ट्री रीसेट Meta 1 फैक्ट्री से Meta 2, दोनों से ट्राई कर लेंगे। लेकिन हमारा जो दोनों से ट्राई करने के बाद भी हमारा हैंडसेट रीसेट नहीं हुआ, फेल हो रहा था। देखिए फेल हो गया। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन बचता है ओप्पो रीसेट, इसे भी ट्राई कर लेते हैं हम। ओप्पो रीसेट लॉक ऑन, ये देखिए इससे भी एरर आ गया। ये MRT से अनलॉक नहीं हो रहा, तो सॉरी MTK से UMT से अनलॉक नहीं हो रहा, तो हम अब MRT से ट्राई करेंगे। ये हमारा MRT का टूल है 3.95, हम इससे ट्राई कर लेते हैं पहले। ये हमने मेटा मोड में कनेक्ट कर लिया है और हमारा मॉडल सेलेक्ट कर लिया हमने और स्टार्ट कर लेंगे। और ये इससे भी नहीं होगा, MRT से भी आया होते हुए एक बार और ट्राई कर लेंगे हम। ये देखिए फेल तो हो गया बट रीसेट भी नहीं हुआ, एक बार और ट्राई करेंगे हम। मॉडल नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, और इस पर हमने दो तीन मॉडल भी चेंज करके देखे थे, जैसे C3 हो गया, Realme 3 हो गया, Realme C11 हो गया, बट किसी भी मॉडल के अकॉर्डिंग ये फ़ोन फॉर्मेट नहीं हुआ। हर में एक ही रीडिंग AMC एरर आता था। दोस्तों, उसके बाद हमने इसका जो लेटेस्ट वर्जन है MRT का, उससे भी ट्राई किया, आपको दिखाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए हमने जो MRT का लेटेस्ट वर्जन है उसका जो शूट है वो कट कर दिया है। उसके बाद हम डायरेक्टली अपने मिरेकल टूल से फ्लैश करके देखेंगे कि उससे होता है नहीं होता।
तो चलिए दोस्तों हम अपना मेडिकल ओपन कर लेते हैं। उसके बाद हम मॉडल वगैरह सिलेक्ट कर लिया है। इसमें सिंपल जब आप मेडिकल ओपन करेंगे तो MTKE ही ओपन होता है सर्विस के अंदर। आप इसे फैक्ट्री सेट पर क्लिक करके और अपना मॉडल और जो CPU का जो बिल्ड वर्जन है उस पर क्लिक कर लेंगे और ब्रांड सेलेक्ट करके इसे स्टार्ट कर देंगे। देखिए हमने स्टार्ट कर दिया है सारा कुछ करके। अब हम इसको अपने फ़ोन को मेटा मोड में कनेक्ट करेंगे। वॉल्यूम अप एंड डाउन प्रेस करके रख रहे हैं। इसके थोड़ी देर बाद कुछ ही सेकंडों बाद आपका फ़ोन मेटा मोड में चले जाएगा। और देखिए अब कनेक्ट करते हैं। ये देखिए जो हमारा मेडिकल का टूल है इसने कनेक्ट कर लिया है और EMC डिटेक्ट भी कर लिया। बूट वन रिपेयर भी हो चुका है। तो देखिए इसी के साथ हमारा फोन जो है फॉर्मेट हो चुका है। दोस्तों इसमें हमने तीनों टूल से फ्लैश करने की कोशिश की बार बार अनलॉक करने की, जो हमारा फ़ोन है फॉर्मेट नहीं हुआ। सबसे पहले हमने इसमें UMT ट्राई किया, उसके बाद MRTTR ट्राई किया और फाइनली हमारा जो अनलॉक हुआ वो मेडिकल बॉक्स से हुआ। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं कि आपके किसी भी एक टूल से कोई भी फ़ोन आप फॉर्मेट या फ्लैश कर सकते हैं। अब बारी बारी ट्राई करना पड़ता है। कुछ मॉडल होते हैं जो सारे फ़ोन मतलब टूल्स में अप्लाई होते हैं, बट कुछ मॉडल ऐसे होते हैं जो कि अलग अलग टूलों से फ्लैश होते हैं या फॉर्मेट होते हैं। थैंक यू सो मच देखने के लिए ये वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।